हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लर्न टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। भाजपा चुनाव हारी तो अयोध्या वालों को गाली कौन दे रहा है? नैनीताल में कार के व्लॉग में क्या अलग है? इन लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? और पिक ऑफ द डे भी देखिए ऑगी एंड द कॉकरोच की आवाज की नकल करने वाले क्रिएटर से। चुनाव में जाति धर्म का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, ऐसा एक आदर्श दुनिया के लिए कहा जा सकता है। नेता फिर भी चुनाव में जाति धर्म ले आते हैं। अनकहा समझौता होता है कि सब आएगा तो भी खाने में नमक जितना आएगा, हो अचार जितना जाता है और पेश सब्जी जितना किया जाता है, लेकिन कुछ लोग पूरा मेन कोर्स ही उसी का तैयार कर देते हैं, जाति धर्म का। लेकिन समझदारों ने कहा है अति सर्वत्र वर्जित। समझदारों की बात समय समय पर सही साबित होती रहती है। खैर, ये तो जेनरिक बातें रहीं। सोशल मीडिया पर खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे टाइप सीन चल रहा है। मजे की बात यह है कि नेता लोग चुनाव लड़के किनारे हो गए हैं, समर्थक ही निराश हैं, दुखी हैं, गुस्सा हुए पड़े हैं, लड़े पड़े हैं, गालियाँ दे रहे हैं। तो हुआ ये कि ट्विटर पर अयोध्या शब्द ट्रेंड हुआ। 40,000 से ज़्यादा ट्वीट तो इसी हैशटैग पर आए। बेसिकली हो ही रहा है कि भाजपा के हारने पर भड़के हुए कथित भाजपा समर्थक और कथित हिंदू ठेकेदार अयोध्या वालों को कोस रहे हैं, क्योंकि फैजाबाद में भाजपा की हार हो रही है और अयोध्या वहीं आता है। गालियां दे रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं और लॉजिक ये दे रहे हैं कि भाजपा ने राम मंदिर बनवाया फिर भी अयोध्या वाले, मतलब फैजाबाद वाले, उनको कैसा हरा सकते हैं। इनको कौन समझाए कि अयोध्या में मंदिर ना पीएम मोदी ने बनवाया है ना भाजपा ने, वो तो कोर्ट के आदेश से बना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। ये बात भाजपा भी कहती है और सरकार भी कहती है। और रही पैसे की बात, तो वो श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में मंदिर बनवाने के लिए जनता ने दिया था, चंदे में या दान में दिया था, और ये फैक्ट है। कोई पार्टी ऐसे मंदिर नहीं बनवा सकती है और ना ही सरकार बनवा सकती है, ये उनका काम नहीं होता है और ऐसा वो क्लेम भी नहीं कर सकते हैं एक आदर्श परिस्थिति में। खैर, लिखा क्या जा रहा है ये बताते हैं। सबसे ज़्यादा चलने वाली ये पोस्ट है कि अच्छा हुआ राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को लेकर गए थे, अगर हिंदुओं को ले जाते तो सोने की लंका के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। किसी ने कटप्पा की फोटो लगा के लिखा कि इतिहास गवाह है, अयोध्या वासियों ने हमेशा अपने सच्चे राजा के साथ विश्वासघात ही किया है, हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं, 100 करोड़ इन मुर्दों में अब बची किसी में जान नहीं, ऐसा लिखा गया। लोग बहुत रैंडम चले गए, क्लेम करने लगे कि शापित अयोध्या भूमि, माता सीता ने श्राप में कहा कि वो कभी भी खुश नहीं रहेगी, अयोध्या हमेशा उदास और उजड़ी रहेगी। माना जाता है कि माता सीता के इसी श्राप की वजह से ही महाभारत के युद्ध में रघुवंश के आखिरी राजा यानी प्रभुराम के आखिरी वंशज राजा वृहद्वल की मृत्यु के बाद अयोध्या उजड़ गई। तो इसका जवाब आया कि जो कह रहे हैं कि भाजपा को राम जी का श्राप लगा है, उनसे कोई पूछे कि राम जी को किसका श्राप लगा था जो अपनी ही अयोध्या में या तो रह नहीं पाए या फिर सुख से नहीं रह पाए। अयोध्या जी विचित्र ही रहेंगी, वो जब अपने राम के ही हर कष्ट का कारण बन गई तो राम भक्तों की क्या ही बिसात ठहरी। अब तक सोशल मीडिया में अपने धर्म वाले से सामान खरीदो, सामने वाले का बायकॉट करो टाइप की टिटिम में आते रहते थे। अब कहा गया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने वाले सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, सरयू नदी में स्नान करने के बाद सीधे रामलला के दर्शन करने जाएं, अयोध्या में कुछ भी खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है, प्रसाद भी अपने घर से लेकर जाएं, वहां चढ़ाने के बाद सीधे घर वापस आ जाएं। बहुत ही एक्सट्रीम पर गए लोग बोले कि हमें हिंदू होने का गर्व नहीं घृणा महसूस होने लगा, क्योंकि देश का केंद्र अयोध्या में जिसने प्रभु श्री राम को लाया वहाँ की जनता गद्दार निकल गई, जो काम मोदी ने अपने लिए नहीं किया हमारे लिए किया, हम हिंदू के लिए, लेकिन अब पता चला है कि हिंदू कितने गद्दार हैं, ये लोग ऐसा लिख रहे हैं। इन बातों के जवाब भी आए कि लोग अयोध्या वासियों को गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन किसी ने उनका दर्द नहीं समझा, लोगों का घर तोड़ दिया, खेत खलिहान जबरन ले लिए गए, मुआवजे के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई, एक व्यक्ति का आंसू वोट में तब्दील हो गया। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी जो वीडियो इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे सही नहीं हैं, अयोध्या के नहीं हैं, कुछ वीडियो दूसरी जगहों के हैं जिसका हमने अलग से फैक्ट चेक भी किया है, वो फैक्ट चेक आप देख सकते हैं दी लर्न टॉप पे। लिखा ये भी गया कि राम ने जन्म लिया जिस अयोध्या में भाजपा हारी, राम ने तब किया जिस चित्रकूट में भाजपा हारी, इसीलिए हमेशा प्रभु के पुजारी बनो व्यापारी नहीं। इसी तरह के ट्वीट में लोगों ने लिखा कि हार का ठीकरा हिंदू और हिंदुत्व पर ना फोड़े, हिंदुत्व कभी ना हारा है ना हारेगा, हारा है तो भाजपा का घमंड। किसी ने लिखा दिन रात मुस्लिमों को गाली देने वाले आज अपने ही हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, सिद्ध करता है कि ये किसी के सगे नहीं है, अयोध्या से ही भगा दिया। लोग अपना एनालिसिस देते मिले कि अब 4 टाइप के हिंदू हो गए हैं, एक न्यूट्रल वाला है, एक बीजेपी वाला है, एक इंडिया वाला है और एक अयोध्या वाला है। अब अयोध्या वाला बीजेपी वाले हिंदू से गाली सुन रहा है। एक यूजर ने कहा कि अभी तक तो ये लोग सिर्फ मुसलमानों को गालियां देते थे, लेकिन अब तो राजपूतों और खासकर अयोध्या के हिंदुओं को भी गाली दे रहे हैं, मतलब वो सभी लोग जो बीजेपी को वोट नहीं दिया उसे गाली दे रहे हैं, ये
दिखाता है कि उन्हें धर्म और लोगों की अपेक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। एक गालीबाज का वीडियो भी खूब वायरल हुआ जो अयोध्या वालों को चुनाव के चलते बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। उसका वीडियो लगा के कहा गया कि हेडफोन लगाकर सुने, उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में भाजपा को वोट नहीं मिला तो हिंदुओं को खुलेआम गाली देता कथित राष्ट्रभक्त और हिंदुत्ववादी अयोध्या की जनता को भी गाली दे रहा है। यूपी पुलिस, उम्मीद है आप स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही जरूर करेंगे। महंगी गाड़ियां देखने का शौक काफ़ी लोगों को होता है, इसी शौक के चलते लोग बड़ी गाड़ियों के सामने तस्वीरें लेते भी नज़र आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नैनीताल में भी बड़ी गाड़ियां आती हैं? नैनीताल में अमीर अमीर लोग आते हैं, नहीं पता है ना? आज देख लीजिए, समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कह रहे हैं। भाई साहब ये देखो कितनी महंगी गाड़ी है आज नैनीताल में, देखो नैनीताल में कितने अमीर अमीर लोग आते हैं, ये देख लो ना भाई साहब, गाड़ी देखो कितनी शानदार है यार भाई साहब, ऑसम गाड़ी यार, मजा आ गया भाई साहब देखो, और रेड कलर तो दोस्तों यार अपने बहुत ही फेवरेट है ये। वीडियो थोड़ा तो अलग था इसलिए अलग तरह के कमेंट भी आए। एक यूजर ने कहा ये तो नैनो है, दूसरे यूजर ने कहा कि आल्टो है, लोगों ने दावे किए कि वो उनकी गाड़ी है और लिखा कि अच्छा तू चल रहा था मेरी गाड़ी के आगे। एक यूजर ने आग्रह किया कि भाई जाम लग रहा है हट जा, यही होता है जब आप बेंगलुरु रहने लगते हैं, आपको हर वक्त जाम की चिंता सताती है। एक यूजर ने पूरे वीडियो को एक ही कॉमेंट में रिव्यू कर डाला, लिखा कि कार 1%, ब्लॉग 99%। एक यूजर ने फ्लैक्स करने का दूसरा तरीका अपनाया, लिखा मेरी नैनीताल में 500 एकड़ ज़मीन है। वाह, इंसान को इतना ही अमीर होना चाहिए। बचपन में एक सपना सबको ही आता था कि काश एक पैसों का पेड़ हो जहाँ जब चाहे पैसे तोड़ लो, मज़े ही मज़े हो जाए, मस्त बिस्कुट ले रहे हैं, जो टॉफ़ी मन कर रही है वो खरीद रहे हैं, नागराज और ध्रुव की सारी लेटेस्ट कॉमिक्स खरीद ले रहे हैं। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि पैसों का पेड़ नहीं होता है। मगर एक रील दिखी जिसमें पैसों की ऐसी हेरा फेरी दिखी कि दिमाग चकरा गया। ये रील पहले दिखी होती तो जब हमारे न्यूज रूम में HC वर्मा सर आए थे, उनको दिखा के समझाते और उनसे समझते, मतलब समझाते कि हम उनको क्या समझाएंगे, उनको दिखा के उनसे समझते। लेकिन अभी आपको दिखा रहे हैं, आप जरा समझाइए कि यहाँ हुआ क्या है। यार वो पार्टी में कितना मजा आया, मजा आया यार, बड़ा मजा आया, मतलब कि दिल खुश हो गया। अबे वो तुझे 40 रुपए लिए थे ना तुझसे, 20 रुपए ले ले, 20 रुपए बाद में दूंगा यार। यार दे दियो, देख लाइयो बाद में, मेरे 40 वो कौन देगा? अभी 20 पकड़ यार, बाद में दूंगा 20। मेरे 40 लाजमी चाहिए, मेरे 40 मार नहीं यार, दे दूंगा मेरे 40। अबे हां यार तू ये ले ले, 20 ले, 20 रुपए पकड़, 40 रुपए पूरे हो गए तेरे। चल की मेरे पे पूरे करा, फिर तू भी पूरे कर, तू निकल, तू भी पूरे ले ले। चल सही है, फिर मिलते हैं अल्लाह, फिर मिलते हैं यार अल्लाह हाफिज़। कुछ दिनों पहले एक गाना आया था, इस गाने ने तहलका मचाया था, क्या फेसबुक, क्या इंस्टाग्राम, क्या यूट्यूब, हर जगह बस यही गाना बज रहा था। कानों का क्या हो रहा था वो रहने देते हैं, बात गाने के भी बोलते हैं वही बद्दोबद्दी बद्दोबद्दी। गाना किसी तरह ट्रेंड से बाहर ही हुआ था कि एक और खबर आ गई, चाहत फतेह अली खान के इस गाने को यूट्यूब से हटा दिया गया है। इस वीडियो में 28 मिलियन यानी 2.8 करोड़ से ज़्यादा व्यूज थे, गाने को कॉपीराइट के चलते हटाया गया। थोड़ा पहले हट जाता तो आपके कान भी बच जाते हैं। सोशल लिस्ट में बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज बात टैलेंट की। टैलेंट के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अक्सर जब जिम्मेदारियां आती हैं तो टैलेंट दब जाता है, तभी लोग टैलेंट की बड़ी कदर करते हैं। पहले लोगों का टैलेंट गली मोहल्ले में रह जाता था, लेकिन अब आ गया है इंटरनेट, लोग कलाकारी को रिकॉर्ड करते हैं, मामला हो जाता है वायरल और पूरी दुनिया को ऐसा टैलेंट दिख जाता है जिसको देख के लोग फैन ही हो जाते हैं। एक ऐसा ही वीडियो दिखा, सड़क में गोलगप्पे बेचने वाला एक लड़का दिख रहा है, वो एक अलग अंदाज में गोलगप्पे बेच रहा है। कार्टून जो आता है ऑगी एंड द कॉकरोचेज, उसमें आने वाले कैरेक्टर्स की आवाज़ की नकल उतार रहा है। देखिए कमाल का वीडियो है। आ गया आपके गली मोहल्ले में ऑगी गोलगप्पे वाला। हे भैया, मीठे मीठे खट्टे गोलगप्पे, ओए मुन्ना, ओए इसके साथ एक के साथ एक गोलगप्पा फिर भी मिलेगा मुन्ना। आओ इनका यूजर नेम है jitender_dubbing_artist07। ये इस तरह डब करते हुए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, कभी गोलगप्पे बेचते हुए, कभी वेज बिरयानी बेचते हुए, कभी अपनी दिनचर्या को शूट करके ब्लॉग बनाते हुए ऑगी की आवाज निकालते हैं। इनको आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज के शो में इतना ही। हाँ, आज कूलर का कोई वीडियो नहीं है और इसकी गारंटी नहीं है कि कल आएगा या नहीं। आप देखते रहिए डी ललन टॉप, आप देखते रहिए सोशल लिस्ट, और कुछ नहीं कहूँगा, कुछ कहूँगा तो विवाद हो जाएगा।